हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 14 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर धरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जानि करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र स्यपुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा मृत्युमेतदेव गोविंद दामो धरमाधवेति नारायणं नित्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि मद्भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 24 जिसका शीर्षक है कर्दमुनि का वैराग्य। अब तक हमने पढ़ा कि देवहूति कर्दमुनि के जाने से बहुत ज्यादा शोक में आकर कहने लगी कि मुझे आपके बगैर नहीं रहना है, मैंने तो अभी जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, मैंने तो अपने जीवन को ऐसे ही भोग में लगा दिया। इसको सुनकर कर्दमुनि ने कहा कि देवहूति तुम अपने जीवन पर खेद मत करो, क्योंकि तुमने बहुत ही पतिव्रता नारी का जीवन गुजारा है, तो तुम्हारे इस पातिव्रत्य से और धर्म के पालन से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान तुम्हारे घर में प्रकट होंगे, तो तुमने वैसे ही बहुत ही सुंदर आचरण किया है और अब तुम उनके लिए भगवान के आने के लिए और भी अपनी इंद्रियों का दमन करो, व्रत रखो, तपस्या करो और दान दो,
ताकि भगवान तुमसे प्रसन्न हो। अपने पति की आज्ञा को प्राप्त करके देवहूति ने उसी दिन से इंद्रियों के आनंद का त्याग कर दिया और तपस्या के द्वारा भगवान का ध्यान करते हुए यही सोचने लगे कि आप भगवान मेरे घर में आएंगे, मेरे पुत्र बनकर और मुझे गुरु बनकर आदेश एवं शिक्षा प्रदान करेंगे। इस तरह से देवहूति भगवान का ध्यान करने लगी और कुछ समय के बाद भगवान देवहूति के गर्भ में प्रवेश हो गए। और उस तरह जब भगवान के आने का समय हुआ तो सारे देवी देवता भगवान के आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। प्रकृति सुंदर हो गई, नदियों के जल स्वच्छ हो गए और पेड़ों में फल फूल उगने शुरू हो गए और अत्यंत ही सुंदर वातावरण बन गया। जो देवता थे वो आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और इस तरह से ब्रह्मा और शिव के साथ दूसरे देवता मिलकर कर्दम मुनि के पास आए और ब्रह्मा जी कर्दम मुनि की प्रशंसा करने लगे कि पुत्र तुमने मुझे बहुत सम्मान दिया, मेरा बहुत आदर किया, तुमने निष्कपट भाव से मेरी सेवा की, मेरे आदेश का पालन किया और इसी के कारण भगवान तुमसे बहुत प्रसन्न है और साक्षात भगवान तुम्हारे यहाँ पर पुत्र बनकर आने वाले हैं। क्योंकि पुत्र का यही कर्तव्य होता है कि जब पिता कोई आज्ञा करे तो पुत्र को फौरन अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और जब गुरु कोई आज्ञा करे तो शिष्य को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और तुमने तो मेरी सारी आज्ञाओं को इच्छाओं को पूरा किया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। तुमने मेरा सम्मान किया, आदर किया, मेरे वचन का पालन किया और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से तुमने यही मांगा कि मुझे विवाह करना है, सृष्टि की उत्पत्ति करनी है, क्योंकि तुम मेरे आदेश का पालन करना चाहते थे। तो इसके उपरांत अब ब्रह्मा जी कर्दम मुनि को बता रहे हैं कि देखो आपकी 9 कन्याएं हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, तो तुम क्या करो, अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर दो। वास्तव में बहुत आवश्यक है कि कन्या जब विवाह के योग्य हो तो उसका तुरंत ही विवाह करवा देना चाहिए। इससे संसार में व्यभिचार नहीं फैलेगा, तो ये माता पिता का कर्तव्य है। इसीलिए ब्रह्मा जी स्वयं आए हैं। ये एक ऐसा विवाह है जिनको स्वयं ब्रह्मा जी करवा रहे हैं और ब्रह्मा जी के शरीर से कुछ पहले भी ऋषि मुनि उत्पन्न हुए हैं, जैसे स्वयंभू मनु और शत्रुपा से पहले जो ऋषि मुनि उत्पन्न हुए हैं उन्हीं ऋषियों के द्वारा, जो सप्त ऋषि हैं उन्हीं के साथ, नव ऋषि कुछ और हैं ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से, उन्हीं के साथ कर्दम मुनि की पुत्रियों का विवाह करने का प्रस्ताव लेके आए। तो यहाँ पर ये लौकिक विचार नहीं रखना चाहिए कि भाई कर्दम मुनि और ब्रह्मा जी के पुत्र तो सब भाई हैं, तो कर्दम मुनि अपनी पुत्रियों का विवाह अपने भाइयों के साथ कैसे कर सकते हैं, है ना? ये लौकिक विचार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो संतानें पहले उत्पन्न की हैं वो कोई पति पत्नी के संभोग से उत्पन्न नहीं हुई हैं। ये जो ब्रह्मा जी के पहले पुत्र उत्पन्न हुए हैं वो सिर्फ ब्रह्मा जी ने अपने आप को अपने आप से ही उत्पन्न किया, विस्तार किया। मतलब वो ऐसा है जैसे ये कुछ शुद्ध जीवात्माएं हैं जो क्रिएशन में, सप्तऋषि वगैरह होते हैं वो क्रिएशन में साथ देने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा इस संसार में आए हैं। ऐसा ये उनके पुत्र नहीं कहलाएंगे। पुत्र तो असल में वो होता है जो वीर्य से पिता के, माता पिता के संभोग के साथ जो वीर्य से उत्पन्न होता है, तो ये तो पुत्र नहीं है। इनका विवाह आपस में कराएंगे तो ये अपराध नहीं है। लेकिन अगर जैसे एक ही माता पिता के 2 भाई होंगे या उनके जो संतानें होंगी तो उनके साथ है ना विवाह नहीं करवा सकते। लेकिन यहाँ पर जो ये हैं, जो सप्तऋषि हैं या जो नव ऋषि हैं जिनके साथ अभी कर्दम मुनि के पुत्रियों का विवाह कराने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं प्रस्ताव लेके आए हैं, उनका संबंध ऐसा नहीं है। अभी ब्रह्मा जी कर्दम मुनि से कहते हैं
इमा दो ही तरह सत्य तव वत्स सुमध्य माम सर्गमेतम प्रभावहे वैर्ब्रीहैष्यन्त्य नेकदा। इमा दो ही तरह, इमा मतलब ये, दो ही तरह मतलब पुत्रियां, सत्य वत् सत्य मतलब साध्वी हैं, वो सत्य सत्य को मानने वाली हैं अर्थात साध्वी हैं, इनके अंदर सदाचार है, धर्म का पालन करती हैं, ये उनका स्वभाव है कि वो सत्य हैं, मतलब वो पवित्र हैं, सती स्त्रियां हैं तुम्हारी। और तव वत्स हे तुम्हारी, सुमध्यमा का मतलब होता है कि उनका शरीर बहुत सुंदर है, एक तो उनका भाव सुंदर है, मन से पवित्र हैं, सत्य वचने हैं, सती स्त्रियां हैं, ऊपर से वो दिखने में भी बहुत, एक ही शब्द में, एक ही श्लोक में उनके अंतरंगा भाव और बहिरंगा, उनका जो शरीर है उसकी भी प्रशंसा कर रहे हैं। सुमध्यमा के अर्थात बहुत ही सुंदर हैं, उनकी पतली सी कमर है, शरीर का जो ढोल है वो बहुत अच्छा है, इसलिए सर्गमेतम प्रभावयस्य। सर्गम एतम, सर्गम मतलब सृष्टि, एतम मतलब यह, प्रभावय यानी वंशों द्वारा, सवय मतलब स्वतः, ब्रीहयिष्यन्ति वे बढ़ावेंगी अनेकदा, अनेकदा मतलब नाना प्रकार से, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, भगवान की आज्ञा है कि संसार का सृजन किया जाए, इसलिए आपकी जो पुत्रियां हैं वो सती भी हैं और बहुत सुंदर भी हैं, तो फिर इसलिए इनका अगर आप विवाह करवाओगे ऋषियों के साथ तो सर्गमेतम प्रभावे के स्वर वो सृष्टि करने में या फिर सृष्टि का सृजन करने में वो हमारा साथ, सवय यानी स्वतः, बिहैष्यंती वो बहुत बढ़ाएंगी, उनके द्वारा अनेकदा अनेक नाना प्रकार की सृष्टियां उत्पन्न होंगी। अब इनकी पुत्रियां जो हैं वो बहुत ही वास्तव में साध्वी पुत्रियां हैं, अनुसुया इनकी एक पुत्री का नाम था अनुसुया, जिनके घर में ब्रह्मा विष्णु और महेश अपने एक एक तेज के द्वारा प्रकट हुए हैं। तो ये कितनी महान हो सकती है, यहाँ कि शिव जी और ब्रह्मा जी का जन्म नहीं होता है ना, वो भौतिक जगत में जन्म मरण नहीं लेते हैं, ना ही वो भगवान हैं, तो फिर उनको है ना अवतार भी नहीं लेना पड़ता, वो सब क्यों बता रहे हैं भागवतम में, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि कि यदि माता पिता सत्य का अर्चन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी संतान कितनी सुंदर। अनुसुईया जो है वो शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु जी के अंशों को, उनके अंश जो हैं वो उनके द्वारा उत्पन्न होते हैं, शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि उनके यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न होते हैं, साक्षात भगवान के अंश से दत्तात्रेय उनके घर पे उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर आगे और इनके अलावा उनकी एक पुत्री थी अरुंधति, जिनका विवाह विशिष्ट मुनि के साथ हुआ है, तो ये सारी सृष्टि का सृजन करने में बहुत बहुत सहयोग करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, अनुवाद देखिए, तब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि की नवो कन्याओं की प्रशंसा यह कह करके कि तुम्हारी सभी तनवंगी कन्याएं निसंदेह साध्वी हैं, मुझे विश्वास है कि वे अनेक प्रकार से अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि का वर्धन करेंगी। शिला प्रभुपाद की, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी जनसंख्या में वृद्धि के लिए चिंतित रहते ही थे, और जब उन्होंने देखा कि कर्दम मुनि के पहले से 9 सुंदर कन्याएं हो चुकी हैं, तो उन्हें आशा बंधी कि इन कन्याओं से अनेक संतानें उत्पन्न होंगी जो सृष्टि करने का कार्यभार संभालेंगे, अतः वे उन्हें देखकर प्रसन्न थे। सुमध्यमा शब्द का अर्थ है
सुंदर स्त्री की उत्तम कन्या। यदि स्त्री की कमर पतली हो तो वह अत्यंत सुंदर मानी जाती है। कर्दम मुनि की समस्त कन्याएं ऐसी ही सुंदर थी। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कर्दम मुनि को कहते हैं, अतस्त्वम ऋषि मुख्येभ्यो यथाशीलम यथारुचि आत्मजा परिदेहत्य विस्तृणी ही यशो भुवि। अतस्त्वम, अतस यानी इसलिए, इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी पुत्रियां साध्वी भी हैं, सुंदर भी हैं और विवाह के योग्य भी हैं, इसलिए तुम क्या करो, ऋषि मुख्येभ्यो, ऋषि मना जो मुख्य ऋषि हैं, बहुत ही प्रमुख ऋषिगण हैं, उन ऋषियों के साथ यथाशीलम यथारुचि। यथाशीलम का मतलब होता है जैसा इनका स्वभाव है, जैसा जैसा जिसके साथ स्वभाव मैच करता है उसके अनुसार, और यथारुचि यानी जिस जिसको जो जो ऋषि पसंद लगता है उनके साथ उनका विवाह। असल में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि विवाह करने के लिए कन्या और वर का यथाशीलम यथारुचि, उनका स्वभाव उनकी रुचि, दो बातों पर हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि सेम स्वभाव के होंगे तो फिर वो आगे बहुत आसानी से अपने गृहस्थ को चला सकेंगे। उनका स्वभाव सुंदर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दूसरा रुचि के, उनकी रुचि किस चीज़ में है। जैसे किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को ना कोई अलग सेवा अच्छी लगती है, तो जो जो सेवाएं अगर हम लोग मिलके करते हैं ना, अगर पति पत्नी मिलके कोई सेवा करते हैं तो उसमें एक तो आनंद आता है, दूसरा बहुत ही प्रेम से, प्रेम भी बढ़ता है ना कि हम मिलके कोई कार्य करेंगे। तो ये देखना ज़रूरी है कि ना इनकी रुचि कैसी है और उनका स्वभाव कैसा है। तो विवाह में बहुत सावधान होना चाहिए। यहाँ पर ब्रह्मा जी इसे बता रहे हैं कि जैसे जैसे उनकी रुचि है, जैसा जैसा शील है, स्वभाव है, आत्मजा परिदेहत्य, आत्मजा अर्थात आपकी जो पुत्रियां हैं, परिदेह अर्थात प्रदान करो, अद्य आज, आज इनको विवाह करा दो। मतलब इनकी पुत्रियां पहले से ही, हमने पहले पढ़ा था ना कि पहले से ही विवाह के योग थी, छोटी छोटी बच्ची पैदा हुई नहीं थी, वो एक साथ ही यौवन थी। तो बोला अद्य आज ही विस्त्री विस्त्री ही यानी प्रसार करो यश भुवि, भुवि मतलब इस ब्रह्मांड में, यश मतलब अपने यश को। अब तुम्हारी पुत्रियां इतने सुंदर सुंदर जो प्रमुख ऋषि हैं उनके पास जाएंगी तो तुम्हारा भी यश बढ़ेगा, और उनके द्वारा जो ये सृजन होने वाला है, उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी उसके कारण भी तुम्हारा यश बढ़ेगा। तो तुम ऐसा करो, इनका विवाह करा दो जिनके साथ उनका स्वभाव और रुचि मैच करती है। अनुवाद, अतः आज तुम इन पुत्रियों को उनके स्वभाव तथा उनकी रुचि के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो और इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में अपना यश फैलाओ। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, नौ मुख्य ऋषि हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, विशिष्ट तथा अथर्वा। ये ऋषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और ब्रह्मा यही चाह रहे थे कि कर्दम मुनि अपनी कन्याओं को इन्हीं ऋषियों को प्रदान कर दें। यहाँ पर प्रत्युक्त दो शब्द अत्यंत सार्थक हैं, यथाशीलम यथारुचि। कन्याओं को आंख मूंद कर ऋषि को नहीं दे दिया जाना चाहिए, वरन उनके शील तथा रुचि के अनुसार। पुरुष तथा स्त्री को मिलाने की यही कला है। मात्र विषयी जीवन के आधार पर स्त्री तथा पुरुष का संयोग नहीं होना चाहिए। अनेक अन्य विचारणीय बातें होती हैं जिनमें शील तथा रुचि प्रमुख हैं। यदि उनके शील तथा रुचि पृथक पृथक हुए
तो ऐसे युगल सदैव दुखी रहते हैं। अभी 40 वर्ष पूर्व तक भारतीय विवाहों में पहले वर तथा कन्या के शील तथा रुचि पर विचार होता था, तब उन्हें ब्याह की अनुमति दी जाती थी। यह दोनों पक्षों के माता पिता के निर्देशन में होता था। माता पिता ज्योतिष के अनुसार वर तथा कन्या के शील तथा रुचि का निर्धारण कर लेते थे और जब वे मिल जाते थे तभी ब्याह होता था। अन्य विचार गौण होते थे। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने भी इसी पद्धति की सलाह दी, तुम अपनी कन्याओं को शील तथा रुचि के अनुसार ऋषियों के साथ ब्याहो। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पहले तो जन्म कुंडलियां मिलाई जाती थी और उनके ग्रह नक्षत्रों को देखा जाता था और फिर पता चलता था कि कौन पुत्री कौन कन्या को किसके साथ विवाह कराना चाहिए। आजकल तो केवल ये सब विचार होता ही नहीं है, तो इसीलिए आजकल जो है ना विवाह इतने सक्सेस नहीं होते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, ज्योतिष गणना के अनुसार मनुष्य को देवता या असुर की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, है ना। कुछ गुण होते हैं ना ज्योतिष गणना के, जब हमारे पंडित लोग हमारी छठी करते हैं उस टाइम पर बताते हैं कि इसके अंदर देव गुण है या असुर गुण है। तो इस प्रकार पति पत्नी का चुनाव होता था, दैव गुण वाली कन्या को दैव गुण वाले वर को प्रदान करना चाहिए, इसी प्रकार आसुरी गुण वाली कन्या को आसुरी गुण वाले वर को प्रदान किया जाना चाहिए, तभी वे सुखी रहेंगे। किंतु यदि कन्या असुर गुण वाली हुई और लड़का देव गुण वाला तो यह जोड़ा बेमेल होगा और ऐसे ब्याह से सभी सुखी नहीं रह पाएंगे, कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। आज के समय में लड़कों तथा लड़कियों का विवाह उनके चरित्र तथा गुण को देखकर नहीं किया जाता, इसीलिए वे सुखी नहीं रहते और तलाक होते रहते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भागवत के 12वें स्कंद में यह भविष्यवाणी हुई है कि इस कलयुग में काम वासना के आधार पर विवाह होंगे। जब लड़के तथा लड़की की काम वासना से आनंद लेते हैं तो वे ब्याह करते हैं और यदि उसमें कोई कमी रह जाती है तो वे विलग हो जाते हैं। ऐसा ब्याह कोई ब्याह नहीं है, यह तो कुत्तों तथा बिल्लियों का सा नर तथा मादी का मिलन है। अतः आधुनिक युग में जो संतानें पैदा हो रही हैं वे सही अर्थों में मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य को तो द्विजन्म होना चाहिए, पहले बच्चे को उत्तम माता पिता जन्म देते हैं और फिर गुरु तथा वेद से दूसरा जन्म देते हैं। पहले वाले माता पिता उसे संसार में लाते हैं, तब गुरु तथा वेद उसके दूसरे माता पिता बनते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार विवाह संतान उत्पत्ति के लिए होता है और प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होते थे और संतान उत्पत्ति करते समय सभी बातों पर सम्यक रूप से विचार किया जाता था। श्रील प्रभुपाद देखिए, तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विवाह केवल संतान उत्पत्ति के लिए होता है, ताकि ये गृहस्थ के ऊपर बहुत बड़ा कार्य है, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उन आत्माओं को जो कि भगवत धाम में जाने के लिए तरस रही हैं उनको अवसर प्रदान करते हैं कि इस भौतिक जगत में आए और उनको ऐसा शिक्षण प्रदान हो कि वो जन्म मरण के चक्कर से छूटकर भगवत धाम की ओर जा सके। तो इसीलिए विवाह होता है, ना कि काम वासना की तृप्ति के लिए जैसे कुत्ते बिल्लियों का विवाह होता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, बहुत अफसोस की बात है कि आधुनिक विवाह में केवल काम वासना ही देखी जाती है। वैसे तो ऐसा होना चाहिए कि द्विज होना चाहिए, द्विजन्मा मनुष्य को होना चाहिए। एक तो जन्म माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है और माता पिता जब जन्म देते हैं तो उनको इस संसार में लाते हैं, फिर वो गुरु के द्वारा दूसरा जन्म लेता है जब वो आध्यात्मिक
रास्ते पर आगे निकलता है और उसको वो जब दीक्षा लेता है गुरु के द्वारा, तो उसके द्वारा वो शास्त्र पढ़ता है, वेदों का अध्ययन करता है, वेदों के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, तब उसका वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है। और आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, वेदाहमाध्यम पुरुषम अवतीर्णम स्वमायया भूतानाम शेवधिम देहम बिभ्राणम कपिलम मुने। वेदाहम आद्यम पुरुषम, वेदा वो कहते मैं जानता हूँ क्या, आद्यम पुरुषम यानी जो आदि पुरुष हैं, जो कि समस्त जीवों के स्वामी हैं, जो कि समस्त सृष्टि के पालन करने वाले, पैदा करने वाले, सृजन करने वाले, वो पुरुष भगवान, साक्षात भगवान अवतीर्णम स्वमाया, अपनी माया से अवतीरित हुए हैं, वो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा भौतिक जगत में आए हैं। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है, ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवान को माया के द्वारा नहीं, बल्कि माया पर अपनी ही अंतरंग शक्ति के द्वारा भगवान आते हैं। जिस तरह से साधारण जीव जो हैं वो माया के वशीभूत होकर इस भौतिक जगत में आते हैं कर्मों का हिसाब किताब देने के लिए नहीं, अवतीर्णम स्व माया, और वो क्यों आ रहे हैं, भूतानम शेवदिम देह। शेवदिम का मतलब होता है जीवों का कल्याण करने के लिए, उनकी समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और उनकी समस्त जो इच्छाएं मन में उत्पन्न हो रही है, मतलब जो इनकी अज्ञानता है उसको समाप्त करने के लिए। भूतानाम शेवदिम देहम, वास्तव में जो ये कपिल देव का अवतार है वो बहुत विशेष अवतार है। विशेष क्यों अवतार है, क्योंकि ये स्पेशली ज्ञान देने के लिए आ रहा है। वैसे तो भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं, जैसे नरसिंह अवतार, वराह अवतार, मत्स्य, कच्छप, वरा, वामन, लेकिन ये सब अवतार किसी कार्य से आते हैं और किसी असुर का नाश करके या किसी कार्य को संपन्न करके वापस चले जाते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्पेशल अवतार वो होता है जिसमें भगवान आकर स्वयं ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान प्रदान करके जीवों के अज्ञान को समाप्त करके भौतिक बंधन से छुड़ाने का प्रयास स्वयं आके जब भगवान करते हैं, तो ये भगवान की सबसे विशेष अनुकंपा। इस भौतिक जगत में भी हम देखें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ही जीव को ज्ञान प्राप्त होता है। इसी तरह से भगवान के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी भगवान की योजनाएं हैं, लेकिन ये स्पेशल योजना है कि वो जीव को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के आते हैं। तो वो कहते हैं, भूतानाम शेवधिम देहम बिभ्राणम कपिलम मुनि। बिभ्राणम कपिलम मुनि, वो कपिल मुनि है, हे कर्दम, वो मुनि कहते कर्दम को, और कपिल मुनि की सूरत में वो आ रहे। कपिल इसलिए उनको कहते हैं क्योंकि उनका जो स्वरूप, जो उनका कलर था, वो एकदम जैसे गोल्डन कलर नहीं होता है, ऐसे गोल्डन कलर का, जैसे हल्दी मिला हुआ, बहुत चमकदार उनका कलर था, इसलिए वो इस कलर के कारण उनको कपिल कहा जाता था। अनुवाद देखिए, हे कर्दम मुनि, मुझे ज्ञात है कि अब आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के से अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। वे जीव आत्माओं के सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं और उन्होंने अब कपिल मुनि का शरीर धारण किया है। श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में पुरुषोत्तम पुरुष अवतीर्णम स्वमाया शब्द आया है। श्री भगवान सनातन पुरुष हैं, भोक्ता हैं, और जब वे प्रकट होते हैं तो इस भौतिक शक्ति से कुछ भी ग्रहण नहीं करते। आध्यात्मिक जगत उनकी निजी अंतरंगा शक्ति का प्राकटीकरण है, जबकि यह भौतिक जगत उनकी भौतिक या भिन्न भिन्नीकृति शक्ति का प्राकट्य है। तो ये भौतिक आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और
ये भौतिक जगत बहिरंग शक्ति है। स्वमाया या शक्ति शब्द सूचित करता है कि जब कभी श्री भगवान का अवतरण होता है तो वे अपनी स्व शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। वे मनुष्य का शरीर धारण कर सकते हैं किंतु वह शरीर भौतिक नहीं होता है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि केवल मूर्ख अर्थात दूर्त अर्थात मूढ़ ही कृष्ण के शरीर को सामान्य मनुष्य का शरीर समझते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। भगवान कहते हैं वो मूर्ख हैं, दूर्त हैं और वो तो उनको तो कोई ज्ञान नहीं है, मूढ़ हैं, इसीलिए वो मुझे मनुष्य जैसा समझते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं शेवधिम शब्द का अर्थ है कि वह समस्त जीवों की आवश्यकताओं को प्रदान करने वाले हैं। वेदों में भी उल्लेख है कि भगवान प्रधान पुरुष हैं और अन्य जीवों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण वे ईश्वर कहलाते हैं। परम पुरुष भी व्यक्ति हैं, वह निराकार नहीं है। जिस प्रकार हम पृथक पृथक व्यक्तित्व हैं, उसी प्रकार भगवान भी पृथक पृथक हैं, किंतु वे परम पुरुष हैं। ईश्वर तथा सामान्य जीव आत्माओं में यही अंतर है। क्या अंतर है? कि वो परम पुरुष हैं और हम पुरुष हैं। भगवान विभू हैं और हम अणु हैं। क्वालिटीज तो सेम हैं, परंतु क्वांटिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो समुद्र है और हम बूंद हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी फिर बता रहे हैं कि परम पुरुष भी व्यक्ति हैं। व्यक्ति हैं मतलब उनका अस्तित्व है, वो एग्जिस्ट करते हैं, उनका स्वरूप है, वो आकार है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते वह निराकार नहीं है। और जैसे हम हमारी एक अलग अलग पहचान है, व्यक्तित्व है, तो भगवान भी हैं, लेकिन फर्क क्या है कि वो परम पुरुष हैं और हम पुरुष हैं। हरि बोल। अभी ब्रह्मा जी कपिल मुनि के स्वभाव का, उनके स्वरूप का और उनके कार्य का वर्णन करेंगे यहाँ पर। और बहुत ही सुंदर रीति से ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञान विज्ञान योगेन कर्माणं मुद्धरंजना हिरण्यकेशः पद्माक्ष पद्ममुद्रा पदाम्बुज। ज्ञान विज्ञान योगेन, ज्ञान वो होता है जो शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और विज्ञान क्या होता है जो प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। ज्ञान विज्ञान योगेन, तो ज्ञान और विज्ञान यानी वो अपने प्रैक्टिकल उदाहरण से और शास्त्रों के जो ज्ञान है उसके द्वारे उनके योग के द्वारा कर्मणाम कार्यों का उद्धरण समूल विच्छेद करने के लिए, मतलब जो कार्य हैं उनको सही तरह से बताने के लिए और जो कर्मों के प्रति जो इच्छा होती है कि किस तरह से कर्म किया जाए, कैसे उनकी भौतिक जगत में कर्म फलों की जो इच्छा उनको नष्ट करने के लिए वो जटा हिरण्यकेश। जटा मतलब जो उनका जूड़ा बनाएंगे अपने, और उनके बाल कैसे होंगे, हिरण्यकेश, हिरण्य सोने को बोलते हैं, और उनके बाल का रंग बिल्कुल सोने के कलर जैसा होगा, गोल्डन कलर के इनके हेयर्स होंगे। जैसे हम इस बुक के प्रथम पेज में भी देखते हैं कि किस तरह से कपिल देव का जो शरीर है वो भी गोल्डन कलर का है, उनके बाल भी गोल्डन कलर के हैं। तो जटा हिरण्यकेश आगे, अब वो बता रहे हैं कि उनका स्वरूप कैसा होगा। पद्माक्ष पद्म मुद्रा पदाम्बुजम। पद्माक्ष यानी उनके नेत्र भी पद्म के जैसे होंगे, कमल के समान नेत्र। पद्म मुद्रा, पद्म मुद्रा का मतलब होता है कमल चिन्ह से युक्त, यानी कि वो पद्म की मुद्रा या पद्मासन पे बैठेंगे और फिर ज्ञान प्रदान करेंगे। और दूसरा पदाम्बुजम यानी उनके चरण भी पद्म के जैसे होंगे। अम्बुज कहते हैं चरणों को। अनुवाद देखिए, सुनहले बाल कमल की पंखड़ियों जैसे नेत्र, कमल के पुष्प से अंकित कमल के समान
चरणों वाले कपिल मुनि अपने योग तथा शास्त्रीय ज्ञान से के व्यवहार से इस भौतिक जगत में कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में कपिल मुनि के कार्यों तथा शारीरिक लक्षणों का सुंदर वर्णन हुआ है। यहाँ पर कपिल मुनि के कार्यों की भविष्यवाणी की गई है। वे सांख्य दर्शन को इस प्रकार प्रस्तुत करेंगे कि लोग उनके दर्शन का अध्ययन करके कर्म अर्थात सकाम कर्म की उत्कट अभिलाषा को जड़ से उखाड़ देंगे। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम के फल को प्राप्त करने में लगा रहता है। मनुष्य अपने श्रम के फल को प्राप्त करके सुखी रहने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वस्तुतः वह अधिकाधिक उलझता जाता है। जब तक पूर्ण ज्ञान या भक्ति योग प्राप्त नहीं किया जाता है, तब तक इस बंधन से छूट नहीं पाता। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं सांख्य योग दर्शन का क्या आवश्यकता क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि जीव जब तक अपने स्वरूप को नहीं समझता है कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, तब तक वो केवल अपने श्रम का फल चाहता है। वो हमेशा चाहता है मैंने ये कार्य किया, मुझे इसका ये फल मिलना चाहिए, इस कार्य से मुझे ये रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये कार्यों का रिजल्ट प्राप्त करके वो तो प्रसन्नता के प्राप्ति के लिए चाहता है, वो सुखी के लिए, सुख होने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए ये कार्यों का, अपने श्रम का फल चाहता है। लेकिन जितने जितना फल उसे मिलता है उतना उतना वो उलझता जाता है। जितनी जितनी हमारे करीब की वस्तुएं और संबंध और आसक्ति बढ़ेगी ना, उतना उतना जीव जो है वो उलझता जाएगा और वो अपने लक्ष्य से दूर होता जाएगा। हमारा लक्ष्य अपने श्रम का फल प्राप्त करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है भवबंधन से छूटना। तो जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, जब तक कोई पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार नहीं करता है या भक्ति योग को प्राप्त नहीं करता है, तब तक वो बंधन से छूट नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि केवल विचार शक्ति यानी कल्पना के द्वारा जो लोग बंधन से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे भी बरसक प्रयास कर रहे होते हैं, किंतु वैदिक धर्म शास्त्रों से पता चलता है कि जिसने कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रिय सेवा अंगीकार कर ली है, वह कर्म की अभिलाषा को सरलता से उच्छेदित कर देता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैसे तो सब लोग है ना, जो दूसरे वैचारिक शक्ति वाले होते हैं या मानसिक शक्ति से, वो क्या करते हैं, सब लोग प्रयत्न करते हैं किससे, बंधन से छूटने का बरसर प्रयत्न करते हैं। लेकिन वैदिक धर्म शास्त्रों से क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ जो प्रेम का संबंध जोड़ता है, जो भक्ति प्रिय सेवा स्वीकार कर लेता है, वह कर्म की अभिलाषा को सरलता से उच्छेदित कर सकता, फिर उसको इच्छा ही नहीं रहती है कर्म फलों की प्राप्ति की। तो कपिल मुनि द्वारा इस कार्य हेतु सांख्य दर्शन का प्रसार होगा। यहाँ पर उनके शारीरिक लक्षणों का भी वर्णन हुआ है। ज्ञान सामान्य शोध कार्य का द्योतक नहीं है। ज्ञान तो शिष्य परंपरा से गुरु के माध्यम से प्राप्त होने वाले शास्त्रीय ज्ञान का द्योतक है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जो हम ज्ञान आजकल प्राप्त करते हैं वो क्या है, शोध कार्य, बस खाली नॉलेज प्राप्त करना। हम नॉलेज प्राप्त हो जाती है और हम समझते हैं ये ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान क्या है, ज्ञान तो शिष्य परंपरा से गुरु के माध्यम से प्राप्त होने वाले शास्त्रीय ज्ञान का द्योतक, कि वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो और जीवन परिवर्तित हो। इस आधुनिक युग में कल्पना एवं आडंबर द्वारा शोध कार्य करने की प्रवृत्ति चल पड़ी है। बस खाली कल्पना के द्वारा या आडंबर, केवल डिग्री मिल जाए बस,
आजकल ज्ञान का मतलब यही है कि उसको डिग्री मिल जाए, यही प्रवृत्ति है। किंतु जो व्यक्ति कल्पना करता है वह यह भूल जाता है कि वह स्वयं प्रकृति के चार अवगुणों से अधीन है। जो ये जो डिग्री ले लेते हैं, भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनको देने वाले भी कौन है? वही लोग है ना जो प्रकृति के अवगुणों के अधीन है। वह त्रुटि करता है, उसकी इंद्रिय अपूर्ण है, वह मोहग्रस्त हो सकता है और वह ठगता है। जब अपने गड़े हुए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करता है, अतः वह लोगों को ठग रहा होता है। ज्ञान का अर्थ है शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान, और विज्ञान का अर्थ है ऐसे ज्ञान का व्यवहारिक संप्रयोग। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन ज्ञान तथा विज्ञान पर आधारित है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, ज्ञान का अर्थ केवल एजुकेशन प्राप्त करना नहीं है कि पता चल जाए, इससे सिद्धांत, क्योंकि ये जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये जो भौतिक ज्ञान आजकल हम सीखते हैं, वो बनाने वाले, वो शास्त्र लिखने वाले, किताबें लिखने वाले कौन हैं? वो तो इन चार अवगुणों के अधीन है, मतलब वो गलती कर सकते हैं, उनकी इंद्रियां अपूर्ण हैं, मोहग्रस्त होते हैं। चाहे वो कितना भी ईमानदारी से कार्य करें, मगर उनके जो हमारी इंद्रियों की चार जो त्रुटियां हैं, वो तो उनके अंदर है ही हैं। जो जब तक किसी को शिष्य परंपरा से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो जो ज्ञान है वो कौन सा है? शिष्य परंपरा से जो प्राप्त होता है वो किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, वो तो भगवान के द्वारा दिया हुआ है। तो वो जब तक प्राप्त नहीं होता, तब तक वो अपने गड़े हुए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करता रहता है। फिर वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, भगवान कैसे हो सकते हैं, ये प्रकृति, वो प्रकृति को तो जानते हैं। आजकल देखो साइंटिस्ट हैं, वो प्रकृति को बहुत सुंदर रीति से समझाते हैं कि प्रकृति है, कैसे हो रहा है, बीज से कैसे पौधा बन रहा है, कैसे संसार में हर्ष हो रही है, वो प्रकृति को समझते हैं। लेकिन वो पुरुष को नहीं समझते हैं, और समझते हैं सब कुछ कैसे हो रहा है, बाय नेचर, ये नेचर है, ये स्वभाव है। स्वभाव है तो किसका स्वभाव है, ये किसकी प्रकृति है, ये जो प्रकृति कार्य कर रही है वो किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, उसको कोई जानता ही नहीं है। तो ऐसा ज्ञान जो है वो कभी भी वास्तविक पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ज्ञान का अर्थ है शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान, और विज्ञान का अर्थ है ऐसे ज्ञान का व्यावहारिक संप्रयोग। क्या मतलब है? वो शिष्य परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हो, उसी को हम अपने जीवन में किस तरह से प्रयोग लाएं। तो कपिल मुनि का सांख्य दर्शन ज्ञान तथा विज्ञान पर आधारित है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यही बताया है कि तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा, वो कितना सुंदर होगा, उसके सुनहरे रंग के बाल होंगे, नेत्र पद्म की तरह होंगे, पद्म की तरह उनके चरण होंगे, और कपिल मुनि अपने योग तथा शास्त्रीय ज्ञान के व्यवहारिक से इस भौतिक जगत में कर्म की समस्त इच्छाओं को समूल नष्ट कर देंगे, और जीवन का वास्तविक उपयोग कैसे करना है वो शिक्षा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं, और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।